अविभाजित भारत का पश्चिमी विस्तार अफगानिस्तान की सरहद तक है। खैबर पख्तूनख्वा इलाके के पास भारत और अफगानिस्तान की सरहद। समाना पहाड़ियों के बीच कोहट, जो कि अब पाकिस्तान में है, कोहट कस्बे में 40 मील दूर एक छोटी यानी चोटी पर छोटी सी चौकी है। यह चौकी दो किलों के बीच है, एक तरफ हार्टलॉग और दूसरी तरफ गुलिस्तान। यह कहानी है उस चौकी को संभालने वाले 21 सिखों की, 10,000 अफगानियों से लड़ने वाले 21 सिखों की। जब 10,000 अफगानों से लड़ने के लिए कोई सहायक टुकड़ी नहीं भेजी गई, तब भी अपने कर्तव्य से ना भागने वाले 21 सिख की होने वाली है ये कहानी। कहानी होने वाली है सारागढ़ी के संग्राम की, यानी बैटल ऑफ सारागढ़ी, जो कि केसरी में दिखाई जाने वाली है। बात करने वाले इस पूरी कहानी की और इसको पूरा हम विस्तार में आपको बताने वाले हैं, तो आइए जानते हैं। द ग्रेट गेम। 19वीं शताब्दी, ब्रिटेन और रूस के बीच मध्य एशिया को हथियाने की होड़ लगी थी, यही था द ग्रेट गेम। इसी खेल के चलते दोनों साम्राज्य अफगानिस्तान पर कब्जा करने पर उतारू थे। 1881 से 1885 तक रूस तुर्किस्तान के रास्ते अफगानिस्तान की ओर बढ़ रहा था। 1885 में जब रूस अफगानिस्तान के नज़दीक पहुंच गया, तब ब्रिटेन ने रूस के साथ एक समझौता किया ब्रिटिश इंडिया की सीमा तय करने के लिए। अफगानिस्तान के आमिर अब्दुल्ला रहमान को लेकर साथ में लेकर अफगानिस्तान और भारत के बीच की सरहद बनाने के लिए एक कमीशन बना, ड्यूरेंट कमीशन। आज भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा यही है, इसे ड्यूरेंट लाइन भी कहते हैं। साल 1891, सीमा में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्से को कब्जे में लेने के लिए ब्रिटेन ने फॉरवर्ड पॉलिसी अपनाई, मतलब खुद आगे बढ़कर सरहद पर किले और चौकियां बनानी शुरू कर दी। समाना की पहाड़ियों पर जनरल विलियम हार्टलॉग ने दो बार चढ़ाई की, दो नए किले बने, हार्टलॉग और गुलिस्तान। आसपास कई छोटी चौकियां बनाई गई, इसमें से सबसे महत्वपूर्ण थी सारागढ़ी की चौकी। यूं तो 1835 में सैमुअल मॉरिस ने टेलीग्राफ का आविष्कार कर लिया था, पर इसके इस्तेमाल में एक परेशानी थी। हार्टलॉग और गुलिस्तान किले के बीच टेलीग्राफ के तार बिछे थे, आसपास के इलाके में पठान रहते थे, सरहद बनाने से पठानी कबीले बट रहे थे। इससे नाराज होकर कबीले के लोग इन तारों को काट देते थे। इससे दोनों किलों के बीच बातचीत का साधन बंद हो जाता था और दुश्मन के लिए हमला करना आसान, इसलिए इन दोनों किलों के बीच सारागढ़ी की चौकी बनाई गई। चौकी ऊंचाई पर थी और दोनों किलों को यहां से देखा जा सकता था। सारागढ़ी में तैनात सिपाहियों का एक विशेष काम था दोनों किलों के बीच बातचीत में कड़ी बनने का। सारागढ़ी में सिपाही आईने से धूप चमकाकर सिग्नल देते थे और कोड में एक किले की बात दूसरे तक पहुँचाते थे। इस तरह से संदेश पहुँचाने को हीलियोग्राफिक कहते हैं। वहीं 1887 में भारत की उत्तर पूर्वी सीमा को सुरक्षित करने के लिए बंगाल इन्फेंट्री में खास तौर पर रेजिमेंट तैयार की गई, 36th सिख रेजिमेंट। समाना में इसी रेजिमेंट को भेजा गया। कर्नल जिम कुक और कैप्टन हेनरी होम्स ने यह रेजिमेंट तैयार की। कैप्टन हेनरी इंडियन आर्मी के सबसे ताकतवर व्यक्ति माने जाते थे। जब वे लुधियाना आए तो उन्होंने यहाँ के युवाओं को एक चैलेंज दिया, कुश्ती लड़ने का। शर्त ये थी कि जो कैप्टन से हारेगा उसे सेना में काम करना पड़ेगा। इस तरह से नया तरीका अपना कर कैप्टन ने बहुत से युवाओं को सेना में भर्ती किया और रेजिमेंट को उसकी पूरी क्षमता तक लाए। पूरे 912 जवान 8 टुकड़ी में बट गए। इसके अंदर इन जवानों को अलग अलग चौकियों में बांट दिया गया, जैसे हार्डलॉक किले के अंदर 168, गुलिस्तान में 175 और सारागढ़ी चौकी पर 21 थे। वहीं सीमा बनाने से अफगानी कबीले विद्रोह पर आ गए। अगस्त 1897, ड्यूरेंट कमीशन सरहद बनाने के काम में लगा था। इससे पठानों ने विद्रोह की ठान ली। इसमें तिराहे के अफरीदी लोग शामिल थे, साथ में पड़ोस के ओरा रिजाई कबीले को भी मिला दिया गया। वहीं इन विद्रोहियों के सरदार का नाम था हदा कह मुल्ला, उसने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। वहीं 21 लड़ाके भिड़ गए 10,000 सेना से। 12 सितंबर 1897 सुबह 9 बजे किले के बीच की कड़ी को जोड़ने के लिए पठानों ने सारागढ़ी पर हमला किया। 10 से 12,000 अफगानी पठानों की सेना सारागढ़ी पर सामने खड़ी थी। वहीं सारागढ़ी में थे सिर्फ 21, हर एक सिख के सामने 700 अफगान। हार्डलॉक किले से भी यह सेना नजर आ रही थी। वहीं सिखों ने 60 अफगानों को मार गिराया।
कुछ उस बेहड़ इलाके की चट्टानों के पीछे छुप गए और कुछ जमीन में बने गड्ढों में। पर दो अफगान छुप कर चौकी की दीवार पर पहुंच गए थे। ये दोनों अफगानी गुलिस्तान किले से मेजर देवू को देख रहे थे, पर दीवार के एकदम करीब होने की वजह से सरगड़ी के अंदर लड़ रहे सिखों की नज़र से बचे हुए। मेजर ने सिखों को अलर्ट करने के लिए आईना चमकाना शुरू किया, पर सिग्नल रूम में बस एक ही आदमी था, गुरुमुख सिंह। बाकी जवान लड़ रहे थे। हेलियोग्राफी के लिए कम से कम तीन आदमियों की ज़रूरत होती थी, एक आईना चमकाकर संदेश भेजने के लिए, एक सामने से आते संदेश को पढ़ने के लिए और तीसरा संदेश को लिखने के लिए। गुरुमुख सिंह सारागढ़ी में हो रहे युद्ध की कहानी हेलियोग्राफी से बयां कर रहे थे, इसलिए वो मेजर को संदेश नहीं दिखा पाए, ना देख पाए। उन दोनों अफगानियों ने सूखी झांकियों में आग लगा दी, और अगर गुरुमुख संदेश पढ़ना भी चाहते तो धुआं इतना ज़्यादा था कि पढ़ नहीं पाते। हार्डलॉक किले से लेफ्टिनेंट कर्नल हॉटन ने अपनी 168 में से कुछ सिपाहियों के साथ मदद करनी चाही, पर अफगान सेना इतनी ज़्यादा थी कि किले बचाने के लिए उन्हें पीछे हटना पड़ा। सिख अभी भी लड़ रहे थे। 3 बजे, लड़ते लड़ते 6 घंटे हो चुके थे। दुश्मन ने चौकी की दीवार को तोड़ लिया। दीवार के बाहर अफगानों की लाशों के ढेर लगे हुए थे। उन ढेरों पर चढ़कर बाकी के अफगान आगे बढ़े। अंदर भी जाने जा चुकी थी। बचे हुए सिखों में थे चौकी के मुखिया ईसर सिंह। ईसर सिंह ने जब दुश्मन को इतने करीब देखा तो बंदूक फेंक कर हाथों से लड़ाई करनी शुरू कर दी। कई अफगानों को बस हाथों से ही मार दिया। अंदर से एक सिपाही गार्ड रूम से गोलियां बरसाता रहा। अफगानों ने कमरे में आग लगाई और सिपाही को जला दिया। जलता हुआ सिख अपनी आखिरी सांस तक लड़ता रहा। अपने साथ कुछ और अफगानियों को भी आग की लपेट में ले गया। अब गुरुमुख सिंह ने भी हेलियोग्राफी बंद कर दिया। आखिरी सिग्नल में कहा कि अब मैं भी लड़ने जा रहा हूँ। अफगानों को 21 सिखों ने 6 घंटे तक रोका। इसे किले को सहायक सेना बुलाने के लिए समय मिल गया। जब सेना आई और सारागढ़ी की खंडर हो चुकी थी तो वहाँ लाशों के ढेर थे। 21 लड़ाकों ने 180 से ज़्यादा अफगानिस्तानियों को मार गिराया था। आपको बता दें कि जिस हेलियोग्राफी को बच्चाने लड़े थे उसी वजह से पहचाने गए। जी हाँ दोस्तों, गुरुमुख सिंह ने हेलियोग्राफी से जो कहानी सुनाई उसी से टेलीग्राफी से लंदन भेजा गया। दुनिया भर के अखबारों में खबर छपी। कमांडर इन चीफ सारागढ़ी के 21 सिखों की बहादुरी को सलामी दिए। वहीं अंग्रेजों ने उनके सम्मान में 2 गुरुद्वारे भी बनाए, एक अमृतसर में और एक फिरोजपुर में। 21 सितंबर को इस संग्राम की याद में 36th रेजिमेंट में छुट्टी दी जाती है। सारागढ़ी के युद्ध को यूनाइटेड किंगडम में भी याद किया जाता है। 2017 में इस युद्ध की 120वीं वर्षगांठ को प्रथम विश्व युद्ध के सिख मेमोरियल में मनाया गया था। कैप्टन जयसिंह ने 2013 में सारागढ़ी पर एक किताब लिखी थी, द अनफॉरगॉटन बैटल। यही बात बता दें तो अब 2019 में सारागढ़ी की फिल्म इसी पर बनी है केसरी। फिल्म अक्षय कुमार है और इसे 21 मार्च को रिलीज किया जा रहा है। दोस्तों, यही थी बैटल ऑफ सारागढ़ी की पूरी कहानी। आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। सब्सक्राइब करें देखो देखो, जुड़े रहें हमारे साथ, क्योंकि बॉलीवुड से जुड़ी आपको हर खबर ये मिलती है सबसे पहले।